देश के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराधों की रोकथाम के लिए, हमारे सभी की सुरक्षा करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाता है। लेकिन अगर उस पुलिस बल के द्वारा ही किसी व्यक्ति के साथ में दुष्कर्म जैसी वारदात की जाए, या फिर उसका शोषण किया जाए, या फिर उसके साथ में दरिंदगी की जाए, तो आखिरकार उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये एक सवालिया निशान अभी भी खड़ा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं उनके सचिन के साथ आज मैं आप सभी को बिहार के एक ऐसे ही मामले से अवगत कराने वाला हूँ। पहले तो आप सभी रिश्वत के मामले में असमत के मामले कई सुने होंगे, लेकिन ये मामला इस बार बिहार से सामने आ रहा है, जहाँ पर बात करें तो बिहार में एक दरोगा ने घूस के मामले में बॉडी मसाज चाहिए। जी हाँ, दरोगा घूस लेने के चक्कर में उसने कुछ और नहीं, रिश्वत नहीं मांगी, बल्कि बॉडी मसाज यानी कि तेल मसाज कराना ही उचित समझा। आप सभी को बता दूं कि मामला बिहार के सरहसर का है, जहां पर एक महिला के सामने एक केस दर्ज करवाया गया था और वह महिला थाने के अंदर आई थी उस केस को लेकर। जब उस केस को दर्ज करने के बाद में पुलिस की तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, तब महिला से केस को रफा दफा करने के एवज में पुलिस वाले ने यानी कि एक दरोगा ने उस महिला के साथ में तेल मसाज मांगी, और ये तेल मसाज कहीं और नहीं बल्कि थाने के अंदर ही देखने को मिली है। और इसका एक वीडियो भी अब वायरल हो चुका है, और वायरल वीडियो के आधार पर आप सभी को बता दूं कि दरोगा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हम आप सभी को उस वीडियो से अवगत कराएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से थाने के अंदर ही ऐसी दरिंदगी देखने को मिल रही है, और जो आज के समय में जनता की रक्षा करने के लिए बने हुए हैं, जनता के ऊपर किसी और मुकदमे में फंसाने की साजिश को रचते हुए उन्हीं से तेल मसाज मांगते हुए नजर आए। तो ये क्या तो ये पूरा मामला बयां कर रहा है, और किस प्रकार से ये वीडियो सामने आया है, सीधा आप सभी को इस वीडियो से रूबरू कराते हैं। बिहार के सहरसा से एक दरोगा का थाने में बॉडी मसाज करवाते हुए वीडियो सामने आ रहा है। वह बिना कपड़ों के बैठा हुआ है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक महिला उसकी मालिश कर रही है, दूसरी महिला उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई है। दरोगा मसाज कराते कराते किसी से फोन पर भी बात कर रहा है और महिला की मदद करने का भरोसा दे रहा है। इस दौरान कमरे में एक रस्सी पर उसकी वर्दी भी टंगी हुई है। दरोगा का नाम शशि भूषण सिन्हा है, वह नवहट्टा थाने में पदस्थापित था। वीडियो सामने आने के बाद में गुरुवार को एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के अनुसार यह वीडियो करीब 2 महीने पहले का है। वीडियो में दिख रही महिला बकुनिया की रहने वाली है, और कुछ महीने पहले उसका भाई बकुनिया आया हुआ था, जहाँ किसी युवती के साथ में आपत्तिजनक हालत में वह पकड़ा गया था। इसके बाद उसके खिलाफ दरहार चौकी में आवेदन दिया गया। उसी केस को रफा दफा करवाने के लिए महिला दरोगा के पास में गई थी और शशि भूषण सिन्हा के मोबाइल पर कई बार संपर्क करने की भी हमारे द्वारा कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। साथ ही दरोगा ने फोन भी रिसीव नहीं किया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।